डियर स्टूडेंट्स, क्लेमी सुरिम के बारे में एक एग्जांपल करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 1.5 केजी रेस्ट इन इक्विलिब्रियम इन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखिए, यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे एक हमारे पास ब्लॉक है जिसका मास है 1.5 केजी। हम लिखते हैं कि मास ऑफ द ब्लॉक इज 1.5 केजी। अब इस ब्लॉक का हम वेट फाइंड आउट करते हैं। वेट का क्या फार्मूला है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, और एम यहाँ पे हमारे पास 1.5 है और जी की वैल्यू 10 है, तो 1.5 इंटू 10 इक्वल टू 15 न्यूटन। तो वेट ऑफ द ब्लॉक 15 न्यूटन। वेट ऑफ द ब्लॉक ये वर्टिकली डाउनवर्ड एड करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास टू फोर्सेस ऐड कर रही हैं, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हम आर कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, एंड फ्रिक्शनल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हम यहाँ पे कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं। सिंस द ब्लॉक कैन मूव डाउनवर्ड, जब अगर ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर सकता है तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो अपवर्ड होगी, और अगर ब्लॉक अपवर्ड मूव कर रहा होगा तो उसकी फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड मूव करेगी। तो यहाँ पे कोई और फोर्स तो एक्ट नहीं कर रही, दैट मीन्स कि ये नीचे को ही मूव करने की टेंडेंसी है इसकी। तो दैट मीन्स इसका जो फ्रिक्शनल कंपोनेंट है वो अपवर्ड एड करेगा। तो आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, और यहाँ पे हम एफ और आर फाइंड आउट करना है, तो लेमिस थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, लेमिस थ्योरम देखिए, यहाँ पे जो ब्लॉक है इस पर थ्री फोर्सेस ऐड कर रही हैं, और थ्री फोर्सेस एक ब्लॉक पे ही ऐड कर रही हैं, यानी कि एक पॉइंट पे ऐड कर रही हैं। तो दैट मीन ये जो थ्री फोर्सेस हैं ये कंकरेंट फोर्सेस हैं, और इनका हम देखते हैं कि ये एंगल क्या बना रही है, ये एंगल 60 डिग्री बना रही है, और ये एंगल भी ये 60 डिग्री है। अब इसकी ये सेपरेट एक डायग्राम हम बना लेते हैं, ये फोर्स एफ, ये आर, और इधर वेट हम डाउनवर्ड कर लेते हैं। ये एफ की इंटरेक्शन होगी, ये आर की इंटरेक्शन होगी, और ये डब्ल्यू। एफ एंड आर के बिटवीन एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये गिवन है। ये एंगल हमारे पास क्योंकि ये 90 डिग्री और ये 60, तो ये 150 एंगल हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल हमारे पास 120 आ जाएगा। और अब हम लेमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। लेमिस थ्योरम क्या स्टेट करता है कि एफ ओवर साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू एफ, या साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू है आर एंड डब्ल्यू, तो उनके बिटवीन एंगल है 120 डिग्री, इज इक्वल टू आर ओवर, अब आर के ऑपोजिट एंगल 150 है, तो आर ओवर साइन ऑफ 150 इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ पे हमारे पास 15 न्यूटन है, तो 15 ओवर साइन ऑफ 90, क्योंकि डब्ल्यू के ऑपोजिट जो एंगल है वो 90 है। तो इनको स्प्लिट कर लेते हैं। एक दफ़ा हम एफ फाइंड आउट करते हैं, ये वाली टर्म यूज़ कर लेंगे और ये वाली यूज़ कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं, एफ ओवर साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू 15 ओवर साइन ऑफ 90। तो साइन 120 की वैल्यू राइट साइड पे ले जाएंगे, एफ इक्वल टू 15 ओवर साइन 90 1 इंटू साइन 120 डिग्री। साइन 120 की वैल्यू 0.866 है, तो ये इक्वल आ जाएगा 13 न्यूटन की। एफ इक्वल टू
13 न्यूटन। सिमिलरली आर फाइंड आउट करते हैं जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कंटैक्ट फोर्स है, तो आर ओवर साइन ऑफ 150 इज इक्वल टू 15 ओवर साइन ऑफ 90। गेन साइन 90 की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, 1। तो यहाँ से अप्लाई करते हैं आर इक्वल साइन 150 राइट पे ले जाएंगे, 15 इंटू साइन 150 इज इन डिग्रीज ओवर साइन ऑफ 90। साइन 90 की वैल्यू 1 है, 15 इंटू साइन 150 की वैल्यू 0.5, साइन 90 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5 न्यूटन। तो ये हमने आर और एफ की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। थैंक यू।